जम्मू कश्मीर स्थित वैष्णो देवी भवन के रूम नंबर 4 में मंगलवार की शाम को आग लग गई। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस घटना पर कहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अधिकारी ने कहा है कि वैष्णो देवी श्राइन परिसर में आग लगने की वजह से कैश काउंटर पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। यह आग शाम करीबन 4:30 बजे लगी थी। पुलिस ने बताया कि इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। गौरतलब है कि यहाँ पर हर महीने लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो का दर्शन करने आते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते लगाई गई पाबंदियों के दौरान यह हादसा हुआ है। इसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी नहीं थी, नहीं तो भगदड़ और कुछ बड़ा हादसा होने की संभावना हो सकती थी। वैष्णो साइन में आग की घटना पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वहां पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि डीसी रेसी सी चरणदीप सिंह ने से बात हुई और उनसे इस बारे में पूरी जानकारी ली। गनीमत रही कि सब कुछ नियंत्रण में लाया गया, कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अगले कुछ घंटों तक कड़ी नजर रखे जा रहे हैं। आप देख रहे थे समाचार नगरी।